सभागार द्वारा अनैतिकता से विश्वविद्यालय अधिनियम काला विधेयक जो सभागार में पारित किया गया, जिसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अलग अलग तरीके से इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे पहले लाखों पोस्ट कार्ड भेजे गए। इसके काले बिल को वापस लेने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री को बड़ी संख्या में मिस कॉल किए गए और पूरे महाराष्ट्र से फोन कर साथ ही महाविकास अघाड़ी के विधायक सांसद के घर के सामने रंगोली निकाल कर अनुरोध किया गया कि विश्वविद्यालय विधेयक को तुरंत वापस लिया जाए। नागपुर के अभिभावक मंत्री नितिन राउत के घर के सामने भाजपा युवा मोर्चा ने युवा विभाग के नेतृत्व में विश्वविद्यालय काला बिल वापस लेने के लिए अभिभावक मंत्री के घर के सामने रंगोली निकाली। भारतीय जनता युवा मोर्चा महाविकास अघाड़ी की अनैतिकता के खिलाफ विभिन्न तरीकों से विरोध कर रहा है। सदन में विश्वविद्यालय अधिनियम काला विधेयक पारित किया गया। इसके विरोध में पहले लाखों पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को भेजे। इस काले बिल को वापस लेने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री को बड़ी संख्या में मिस्ड कॉल दिए और पूरे महाराष्ट्र से फोन पर अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय विधेयक को तत्काल वापस ले। आज पूरे महाराष्ट्र में विक्रांत पाटिल के मार्गदर्शन में चाहे स्थानीय अभिभावक मंत्री हो या महाविकास अघाड़ी के प्रमुख विधायक सांसद, हम उनके घर के सामने रंगोली से मांग करते हैं कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। भाजपा महासचिव शिवानी दानी वाकरे, भाजपा महासचिव बाला बोरकर और युवा मोर्चा के अध्यक्ष परेंद्र पटले की मौजूदगी में नागपुर में अभिभावक मंत्री नितिन राउत के आवास पर आंदोलन किया गया। इनमें राज्य कार्यकारिणी सदस्य सारंग कदम, भक्ति आमटे, राखी मनोटकर, सपना तावड़े, दीपांशु लिंगायत, सचिन करारे, सनी राउत, सचिन सावरकर, अक्षय ठाकर, अथर्व त्रिवेदी, गोविंदा, देव यादव, अनिकेत ढोले, संदीपन शुक्ला, रोहित और प्रसाद शामिल है। गुजुमदार और मुंटी पिल्लरे आदि भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय में राजनीति न लाए, शिक्षा में राजनीति कर अपना हित साधने की कैसी मंशा है, ऐसी कड़ी टिप्पणी भी इस दौरान की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर द्वारे नागपुर शहराचे पालकमंत्री नितिन राउत यांच्या निवासस्थानासमोर आम्ही इथे विरोधाचं काम केलेलं आहे, निषेध दर्शनाचं काम केलेलं आहे। विद्यापीठ विधेयक जे त्यांनी अनैतिकतेने पारित केलं, आमचे नेते विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस सभागृहामध्ये चर्चा करत असताना अनैतिकतेने त्यांनी ते रेटून धरलं, जे विद्यार्थ्यांच्या अतिशय धोक्याचं आहे। विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात पवित्र विद्यापीठांमध्ये राजकारण करण्याचं पाप हे महाविकास आघाडी करू इच्छितं, त्याच्यात त्यांचं केवळ स्वतःचा स्वार्थ आहे। या माध्यमातून जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न, मलिदा कमवण्याचा प्रयत्न हे हेतू त्यांचे आहे। विद्यापीठांमध्ये राजकारण करू नये, हे विधेयक त्वरित वापस घ्यावं, यासाठी भारतीय जनता युवा मोर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विक्रांतजींच्या नेतृत्वामध्ये हे आंदोलन करतंय। आज नागपुरात आम्ही पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर हे काळं विधेयक त्वरित वापस घ्यावं अशी युवती विभागाच्या माध्यमातून या युवतींनी इथे रांगोळी काढलेली आहे। आम्ही इथे बॅनर लावलेला आहे। या झोपलेल्या सरकारला जाग करण्याचा प्रयत्न आहे। मध्यरात्रीमध्ये हे सरकार इतकं गाढ झोपलेलं आहे की यांच्या निवासस्थानासमोर येऊन कोणी काही पण करून जातं। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपूर।